हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 एंड वॉल्यूम V1। अनदर न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर A2 एंड वॉल्यूम V2। इफ द रिलेशन बिटवीन मास नंबर कितना दिया है, A2 इज इक्वल टू 4A1, देन V2 बाय V1 निकालना है। ओके, आपको क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन किसमें दिया है, मास नंबर का रिलेशन दिया है और बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलो तो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यूक्लियस स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। ओके, अब यहाँ पे मुझे आर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे, मास नंबर दिया है, तो मुझे पता है कि सर व्हाट आर, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3 होता है। इसको सब्स्टिट्यूट किया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आएगा, 4/3 π, आर इज नथिंग बट आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 π, कितना आएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ध्यान से देखो यहाँ पे 4/3 π और आर नॉट ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर्स, यस ओके। चल तो वॉल्यूम V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, A2 डिवाइड बाय A1 आएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट A2, A2 कितना दिया, 4A1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाय A1, A1 कैंसिल, तो वी गेट यहां से V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू 4, योर आंसर इज 4। ठीक है, इस क्वेश्चंस में बहुत क्लियर कट क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या लगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ, तो आर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3, आर को रिप्लेस कर दो, पूरा इक्वेशन किस में आएगा, मास नंबर में आएगा। यहाँ पे ये सारा टर्म क्या कॉन्स्टेंट है, वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, देन राइट द रेशियो एंड देन पुट द वैल्यूज। क्लियर, समझ में आ चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।